पशु से इंसान बनने की इंसान के अंदर जो आग है वही वजह है भूख को मिटाने वाली आग से उस उजाले की सृष्टि करने की। और अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे ज्वाला बना दिया। काम क्रोध मोह लोभ अपने मकसद के लिए उसी ज्वाला में अपनी आहुति दे दी। अति सुंदर उजाला बनी वो ज्योति जो बाद में भयंकर ज्वाला बन गई। ऐसे जलने वाले ज्वाला की इस कहानी का आरंभ नहीं है, अंत है। इस अंत की वजह आशा है जड़ बुराई की, आशा है जड़ बुराई की, आशा 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 अतियाशा, अतियाशा से ही दुराशा दुराशा। आशा ही दुख का मूल कारण है, मगर इंसान के भीतर हर जगह सिर्फ आशा ही आशा है। बचपन में रहती है मीठा खाने की आशा, एक लड़की को अच्छा पति मिलने की आशा, मर्द हो तो अच्छी पत्नी मिलने की आशा, शादी हो जाने के बाद बच्चा होने की आशा, और बच्ची हो गई तो लड़का पैदा होने की आशा। ए, प्रवचन सुनो। इसी तरह हर एक मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ आशा पनपती ही रहती है। ऐसा है तो क्या मनुष्य आशा के बिना जी सकता है? हैं? हैं? बोलो, जी सकता है? हाँ, यह कतई संभव नहीं। भगवान ने जिस सृष्टि की रचना की है उसके जीव जंतु बिना आशा के नहीं रह सकते। वो इसलिए क्योंकि हमें पैदा करने वाले ने ही उस आशा को भी जन्म दिया है। इतना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, सो क्या रही है? प्रवचन सुनना। अरे, उसे बोलने के लिए पैसे मिले हैं ना, इसीलिए बोल रहा है। अगर फोकट में बोलने के लिए कहेंगे तो उसके मुँह से ना आ ई ऊ भी नहीं निकलेगा। ए, बकवास बंद कर अपनी। हम क्या पैसे देकर बैठे हैं यहाँ पर? कुछ लोग ना पैसे लेकर बोलते रहते हैं और हम जैसे लोग बैठकर देख रहे हैं, ये क्या सही लगता है आपको? छी, कैसी बातें कर रही है? इस तरह की बुरी बातें क्यों सोचती है तू? बुरी बातें तो अंदर ही भरी हुई हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? अपना मुंह बंद करके सुन। जिस तरह काम की कोई आंखें नहीं होती हैं, उसी तरह आशा का भी कोई अंत नहीं होता। हमने उसी काम के लिए जन्म लिया है तो काम का कारण आशा है। काम जितना सहज है उतना ही आशा भी सहज है, परंतु मनुष्य होकर नागरिक होकर अपने काम को अपनी आशा को एक सीमा में बांधना चाहिए, नहीं तो हम में और उन पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देखो, सहजता की बात कर रहा है, सीमा बांधने की बात कर रहा है। उससे एक बार कहोगी, 5 मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे, सारी सीमाएं सारी सहजता धरी की धरी रह जाएगी। चुप कर, कैसी बातें कर रही है? अगर यहाँ रही तो हमारी इज्जत उतार देगी। चल, अब जल्दी से घर चल। गंगा माँ, हम चलते हैं। ए, चल। ये कहाँ से मिला तुझे? ये वहीं पड़ा था, मुझे दिखा, मैं गई ले लिया और अब खा रही हूँ। सब कुछ ऐसे ही मिलता तो कितना अच्छा होता ना। क्या बकवास करती रहती है, तेरी बातें और उनका प्रवचन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। प्रवचन तो अच्छा लगा था ना तुम्हें? हाँ, बड़े आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, तो अच्छी ही बातें करते होंगे ना। मैं बोलूंगी ना तो अच्छा ही लगेगा। बड़ी आई, चुप बैठ। क्यों माँ, इतना बड़ा आदमी प्रवचन दे रहा था तो समझ में नहीं आया, मुझे चुप बैठने को कह रही हो? अपना घर ना कितनी दूर है, टाइम बिताने के लिए बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी माँ। अब बस कर और शांति से घर चल, घर पर बाप इंतजार कर रहा है। क्या इंतजार करेगा, पी कर आया होगा। अगर इंतजार करता ना तो मेरे और 2-3 भाई बहन होते, तुम्हारी 2-3 और औलादे होती। मेरी सहेलियों को देखो, सबके 2-3 भाई बहन हैं और एक मुझे देखो, मैं अकेली ही रह गई हूँ, कोई नहीं है बात करने के लिए। अरे मल्ली रुक तो। ए मल्ली, ए मल्ली, सब चीजों का एहसास होना चाहिए ना, टाइम आना चाहिए। हम जहाँ जा रहे हैं ना उस घर में हमें ही जाना पड़ेगा, घर चलकर नहीं आएगा, हमें ही चलकर घर के पास जाना पड़ेगा, इंतजार कर रहा है। और एक बात कहूँ, वो जवानी में मर जाता ना तो अच्छा होता। किसी काम का तो है नहीं, हमारी भी जिंदगी बर्बाद करके रखती है, मरता भी नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आता।
ऐसी बात नहीं है बेटा। चुप रहो, मुझे सब पता है कैसी बात है। ए बेटी, इतनी घबराई क्यों है? दर्द शुरू हो गया क्या? हाँ बाबा, बहुत डर लग रहा है पापा। अरे इसीलिए तुमसे कह रहा था, समय पास आ चुका है, इसके साथ रहा करो। अरे केम्पा, केम्पा जल्दी आ रहा हूँ मालिक। थोड़ा संभाल बेटी, संभाल अपने आप को। अरे सुन, वो गौरी माँ को जल्दी से बुला कर ला। ठीक है मालिक। ए, रुक जा। अगर ये बुलाने जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी, हमें इसे वहाँ लेकर जाना होगा। ऐसा क्या? ठीक है। अरे केम्पा गाड़ी तैयार कर। हाँ ठीक है मालिक। इमली सुन, तो गाड़ी की आवाज आ रही है ना? सोने भी नहीं देते, देखती हूँ। पापा चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जरा आराम से, आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ बड़े घर की गाड़ी लगती है। ओ, वो पड़ोस वाली की बेटी का समय हो गया है, शायद उसी को दर्द हो रहा होगा। मैं जाकर गर्म पानी रखती हूँ, तू जाकर काटने के लिए कुछ ले आ, और साथ में सरसों का तेल भी ले आना। अरे आप तो खोलो। बहुत डर लग रहा है माँ। नमस्ते भाई सब, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत घबराना, आराम से, आ जाओ अंदर, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे हाँ, बस हो गया, हो गया, बस थोड़ा सा दर्द सह लो बेटा, हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस एक बार और सांस खींचो, हाँ छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं होगा बेटा। रुको, हाँ सांस खींचो और सांस छोड़ो, हाँ कुछ नहीं होगा बेटा, बस कुछ देर और, बस हो गया, रोज डरना नहीं बेटा। हाँ मलिक, इसका हाथ जोर से पकड़। हाँ माँ, नहीं बहुत दर्द हो रहा है मुझे। रुक, मैं तुझे मार देता हूँ, चुपचाप सो जा। ए मलिक, अपने बाप को चुप होने के लिए कह। मेरे बोलने से मेरा बाप चुप होने वाला है क्या? तुम अपने काम में ध्यान दो। माँ मैं मर जाऊंगी, माँ माँ बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो बहुत, कुछ नहीं होगा सरोज, एक बार जोर से सांस लेकर छोड़ो छोड़ो, बस हो गया, हो गया, हाँ शाबाश, उठे जरा, हाँ बस हो गया, हो गया, हो गया, हाँ बेटा हो गया, बस जन्म में आग लगे बच्चे के जैसे रो रही है न तू, तेरी तो कल से मैं पीके नहीं। क्या दीदी, ऐसे कितने बच्चों को मैंने पैदा करवाया है, ये देखो भगवान मेरे हाथों से इतना अच्छा काम करवा रहे हैं। मैं तो पुजारी की तरह हूँ, उसका बनाया हुआ प्रसाद आपके हाथों में देना है बस। देखो तो बच्चा कितना सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। कहते हैं लड़का माँ जैसा हो तो किस्मत वाला होता है।
भाई यहाँ कोई है क्या? कौन है जो जूते को ऐसे ही छोड़ के चला गया? लगता है कोई पास में नहीं है, कहीं दूर हो क्या भाई? हे भगवान, दुनिया से परेशान होके अपना सारा सामान छोड़ के लगता है पानी में कूद गया। कोई है? अरे मेरी आवाज कोई सुन रहा है क्या? कोई है? कोई है क्या? अरे देखो, कोई पानी में कूद गया, बचाओ उसे, कोई है क्या? अरे इस तरह से शोर क्यों मचा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? ओह, आप जिंदा है क्या? मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा था तो आप बोल क्यों नहीं रहे थे? मैं पानी के अंदर था, इसीलिए सुनाई नहीं दिया। आप पानी के अंदर रहो या बाहर, मैं देख नहीं सकता। अच्छा, आप तैरने के बदले पानी के अंदर क्या कर रहे थे? पानी के अंदर मैं योगा कर रहा था, सांस रोक कर बैठा हुआ था। अच्छा, लगता है आप दुर्योधन वंश के हो, पानी में भी योगा करते हो। भाई तुम तो बड़े जानकार लगते हो। देख नहीं सकता, लेकिन भगवान की कृपा से याददाश्त बहुत अच्छी है। गाँव में नए है क्या? मैं इस गांव के लिए ही नहीं, इस दुनिया के हर एक गांव के लिए नया ही हूँ। नई चीजों को ढूंढते हुए, प्रकृति का नजारा करते गांव गांव में अक्सर घूमता रहता हूँ। मुझे तुम पंछी समझो। पंछी समझो? अगर ऐसे घूमते रहेंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? अरे भाई, जिंदगी के लिए जरूरत से ज्यादा कमा कर क्या करना है, काम भर का कमा लिया इसीलिए घूम रहा हूँ। मेरी कामना है कि जिंदगी में आपकी सारी चाहत पूरी हो। आपका नाम? केशव चंद्र। और तुम्हारा? मेरा नाम कनप्पा है। मुझे पता है आपका अगला प्रश्न क्या है, कि मेरा नाम मैंने खुद रखा है या किसी और ने। ये नाम मैंने खुद ही रखा है। जानते हैं, जैसे शिव जी अपने नंदी को प्यार करते हैं ना, वैसे ही मुझे भी करें। मेरी दुआएं हैं कि तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो। अच्छा, पेन पकड़ने वाला हर कोई राइटर नहीं बनता, गन पकड़ने वाला शूटर नहीं बनता। वैसे ही तुम बांसुरी बेच रहे हो, सिर्फ बेच ही रहे हो या फिर बजाना भी आता है? मैं दूसरों के जैसे पैसे कमाने के लिए बांसुरी नहीं बेचता हूँ। मेरा मानना है हमें वो काम करना चाहिए जिससे संतुष्टि मिले, इसलिए सीखते सीखते सिखाते सिखाते बेचता रहता हूँ। अच्छी बात है, मुझे कोई धुन बजा के सुनाओगे? ठीक है भाई, आप सिर्फ सुनिएगा ही नहीं, आप तो देख भी सकते हैं। अरे तुम्हें बजाते हुए तो मैं देखूंगा ही। बजाओ। लक्ष्मी विचार, धनलक्ष्मी आने वाली है। गौड़ा जी, गौड़ा जी एक बात बताता हूँ, सच लगे तो सच बोलिए, झूठ लगे तो झूठ बोलिएगा। और झूठ तो ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बात मलिंगा नहीं बोल रहा, मलिंगा की जुबान पर बैठी साक्षात माता बोल रही हैं। माता मेरी जुबान पर क्यों बैठी हैं, ऐसा आप सवाल पूछ सकते हैं, और उस प्रश्न का जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ, क्योंकि ये डमरू वाला महादेव मलिंगा साक्षात उस महादेवी का पुत्र है, सत्य पुत्र है। गौड़ा जी सत्य पुत्र है। देवी पुत्र हो, तुम्हारा गांव स्वर्ग है क्या? सही बोला गाड़ा जी, स्वर्ग ही है, हमारी जन्मभूमि हरी भरी भूमि है, गांव है लाल मंगर और जिला है मैसूर। हमारे गांव में आइए, मलिंगा झूठ बोल रहा है ये बात कहिए तो मेरे माता पिता सारे रिश्तेदार दादा दादी मेरे मृत पूर्वज सभी आकर मुझे जिंदा मार देंगे, उस माता के सामने मेरी बलि चढ़ा देंगे। गाड़ा जी बलि चढ़ा देंगे। सुनो बाबा, ना ही हमारे पास तुम्हारी बातें सुनने का वक्त है और ना ही कुछ देने के लिए है, तुम जाओ यहाँ से।
ना मत कहो माता जी, ना मत कहो, आपके चेहरे में लक्ष्मी देवी तांडव कर रही है, तांडव कर रही है। रुक जा लक्ष्मी देवी, आजा घर के अंदर आजा। घर का सारा सामान हटा के कोने कोने में ढूंढ ले, अगर तुझे 10 रुपए मिला तो 5 मेरा 5 तेरा। लक्ष्मी देवी ऐसा मत कहिए गौड़ा जी, ऐसा मत कहिए, सर पे लक्ष्मी जी तांडव कर रही है गौड़ा जी, लक्ष्मी जी तांडव कर रही है, मेरी बात नहीं मानी तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, गौड़ा जी नाराज हो जाएंगी। तेरी लक्ष्मी देवी को आग लगे क्या रे डमरू, दिमाग खराब है तेरा, सूरज उगने से पहले उठ जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सूरज हमारे ऊपर जल रहा है, तुम्हें श्राप देगा तो हम जल जाएंगे क्या, जब से पैदा हुए हैं जली तो रहे हैं। ऐसा मत कहिए गौड़ा जी, ऐसा मत कहिए, अगर मैंने श्राप दिया तो वो माता मुझे जला देंगी गौड़ा जी, वो देवी आज आप लोगों को एक वर देने वाली हैं। उस वर से आपको फायदा उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर देने वाली है क्या? मेरे घर का छप्पर फाड़ कर उसमें से पैसे का बारिश करेगी? हाँ, तुम्हारे घर में पैसों की बारिश होने वाली है, ये बात तो पक्की है, और तुम लोगों को सावधान रहना है, ये समय की मांग है, समय को जाने मत दीजिए गौड़ा जी, उसे हाथों से पकड़ लीजिए, हाथों से पकड़ लीजिए। अच्छा बता डमरू, गड्ढा कितना बड़ा खोदना है पैसे छुपाने के लिए? आप भी ना, आप उसके साथ क्या बहस करने लग गए, समझा दे उसे। अरे बाबा, आपको जाने के लिए कहा ना। ए, कौन है तुम? माता, जाने के लिए कहा ना, समझ में नहीं आता? हाँ। चुपचाप चले जाओ, वरना जुबान काट के ना अपने कुत्ते को दे दूंगी, वैसे भी आज बुधवार, इसका मांस खाने का दिन है, समझ में आया? अरे देवी, मेरी जुबान ही मेरा भोजन है, उसे काट दोगी? चुपचाप निकल जा, तेरी बकबक से ना हमारे दिन सवरने वाले नहीं है, भगवान यही रखने वाला है, यही रहना है, यही मिट्टी में, लेकिन ये विशेष मिट्टी है, इस मिट्टी से आप भगवान की मूर्ति बनाएंगी या फिर खिलौना बनाएंगी, ये आपके हाथों में है, तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ने वाली है ये मिट्टी, तुम्हारे कष्ट का निवारण करने वाली है ये मिट्टी। ए, श्राप देने की बात करता और मिट्टी का मजाक उड़ा रहा है, जा यहाँ से, वरना ये सारी रुई ना तेरे ऊपर डाल के तुझे जला के राख कर दूंगी, लाश भी नहीं मिलेगी, श्राप की बात करता है, निकल यहाँ से। पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? आ जाओ। धन्यवाद। शहर से आए हुए लगते हो, शायद पढ़े लिखे होगे, पर यहाँ कैसे? मेरा नाम केशव चंद्र है माजी, गांव-गांव घूमने, गांव की हरियाली को, उसकी खूबसूरती को कागज पर उतारता रहता हूँ, और साथ में कविताएं भी लिखता हूँ। अच्छा, पेपर में कविता लिखते हो? ऐसा नहीं है, मैं चित्र देखकर कविताएं लिखता हूँ। ओह, चित्र की बात से मुझे याद आया, आते आते आपके गांव के मंदिर में मुझे प्रसाद मिला है, खिचड़ी है, ले लीजिए। ये प्रसाद आपको दिया है ना, आप ही रखिए। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, ये प्रसाद तो हम सबको मिल बांट के खाना चाहिए। तो बेटा। अब माँ जी, हाँ? बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, दूसरा गांव यहाँ से दूर है, वहाँ पहुँचने में रात भी हो सकती है, अब आज रात को मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या? मैंने पीने के लिए पहले पानी मांगा और फिर रहने के लिए जगह मांग रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। ऐसा नहीं है बाबू, हम गरीब लोग हैं, अगर चलते रहोगे तो शाम तक एक गांव आ जाएगा, बहुत अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ पर तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भूख प्यास के लिए खाना पानी, तन ढकने के लिए खाना और थोड़ी सी जगह रहने के लिए, सिर्फ इतना ही तो चाहिए। अमीरों के घरों में भले ही खूबसूरत छत हो, लेकिन यहाँ तो आसमान ही छत है। मुझसे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी खाते हैं उसी में से दे दीजिएगा,
मैं यहीं पर जमीन पर सो जाऊंगा। समझ गया। इतनी आसानी से आप लोग एक अपरिचित को अपने घर में कैसे रहने देंगे, यही डर रहे हैं ना? क्या 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 डर? इस तरफ 3 माइल और इस तरफ 4 माइल एक भी घर नहीं है। कुछ हो गया तो कोई पूछेगा भी नहीं। इस जगह पे बहुत फेमस हूँ मैं। जानवरों से नहीं डरते, आदमियों से क्या डरेंगे? डर वर तो नहीं है, लेकिन पहचान के नहीं हो ना, इसीलिए सोच रहा था। क्यों मल्ले? दूसरों को दान देने जितना पैसा भगवान ने हमें नहीं दिया है, पर हम जो खाते हैं वो दूसरों को देने में हमें कोई कष्ट नहीं है, है ना मल्ली? अरे क्यों मल्ली बोलकर मेरा चेहरा क्यों देख रही हो? हाँ, रखना है तो रख लो, भेजना है तो भेज दो। ठीक है, अंदर आ जाओ बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं यहीं बाहर ही ठीक हूँ। कोई बात नहीं, अंदर ही चलिए, अंदर से भी आसमान दिखेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये भी काम करते हैं? ये सब करता हूँ तभी पीने को मिलता है। तुम पीते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे वैसी आदत नहीं है। अरे रात को पीने वाली बात नहीं है, दिन में पीने वाली बात, कॉफी या टी। ओ वो, अच्छा, पीते हो? वो तो पीता हूँ। अच्छा, ओ गौरम्मा, टी चाहिए? अभी अभी तो कहा था कि तुम लोग जो खाओगे पियोगे वही खाऊंगा, और देखो अभी से चाय मांग रहा है। ऑर्डर उसका नहीं है, तुम्हारे बाप का है। देखो बेटा, हमारे घर में दूध होगा लेकिन चाय पत्ती नहीं होगी, और हम लोग गरीब हैं, शक्कर नहीं डालते, गुड़ डालते हैं। ये क्या गौरम्मा, घर में आए मेहमान के सामने गरीब गरीब का रोना रो रही हो? बेचारा थका हुआ है ना, कुछ पैसे हो तो दे दो, चाय पत्ती लेकर आता हूँ, अच्छी चाय पियेंगे। हाँ चाय किसे चाहिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने अपने पास जो चिल्लर रखा है ना, उसी से जाकर लेकर आओ। तो फिर किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा। छुट्टे पैसे हैं मेरे पास, ये लीजिए। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप अगर पैसा देंगे तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, ले लीजिए ना। मैं साथ में चलूं क्या? नहीं नहीं, मेरे पास साइकिल है, आप यहीं पर रहो, मैं जाकर के आता हूँ, बढ़िया वाली पत्ती लाऊंगा। कुछ और चाहिए क्या? बाबा चिल्लर बचेगा तो इमली की मिठाई लेकर आना। ठीक है। अरे ऐसे मुंह क्या देख रहे हो, चाय बनाकर दे रही हूँ ना, दूध का तो खर्चा होता है। ए चुप करना, ये कपड़े मैं सुखा देती हूँ, तू जाकर दूध निकाल। हट यहाँ से, ऐसे ही दूध पिएगा तो पता नहीं क्या होगा। इधर खड़ा रहे और मुझे दूध निकालने दे, हिलना मत यहाँ से। और तू अब सुन, दूध निकालने वाली हूँ, लात मत मारना मुझे, सीधी खड़ी रहे, चुपचाप खड़ी रहना, जब देखो आपका नाम मल्ली है ना? हाँ मल्ली का है, सिर्फ मेरे माँ बाप ही मल्ली कहते हैं मुझे। तो फिर मैं आपको मल्ली नाम से पुकारूं या फिर मल्लिका? जो कहना चाहो कहकर बुला लो, क्या फर्क पड़ता है, फिलहाल मुझे दूध निकालने दो। मल्लिका ठीक रहेगा।
ये क्या है? क्या? ये इधर इधर। अच्छा वो कसरत करने के लिए है। यहाँ किसने रखा है? जो मेरे बाप का कुछ काम नहीं होता ना तो वही करता है। क्या? शक्ति बढ़ाने के लिए कसरत करते हैं। आप शहर वाले हो ना, आप से नहीं होगा, छोड़ दीजिए। शर्म मान मर्यादा कुछ भी नहीं है तुझे, हैं? ए गौरी। आई। ये ले। है? हाँ? जरा सुन। ये ले गुड़। हाँ। वो जरा पाना लेकर आना। हाँ। क्या दिमाग है इसका, बार बार खराब हो जाती है। तुझे तो आज मैं। आजा आजा गोद में आजा आजा। चाय पी लो, गर्म है। टी। हाँ? चाय तो बहुत अच्छी है, थैंक्स। आपको भी वही। किस लिए? टी के पैसे दिए थे ना, जो बचे उसमें से इमली की मिठाई लेकर आए हैं बाबा। ओ, ऐसा क्या? मुझे भी इमली की मिठाई बहुत पसंद है। लाकर दूं? नहीं नहीं नहीं, अभी मिठाई खाई ना तो चाय का स्वाद नहीं मिलेगा। मुझे लगा आपको कुछ नहीं पता, पर आप तो अच्छी कसरत कर लेते हैं। कसरत करने वाले को चाय नहीं पीनी चाहिए। कसरत करते हैं तो फिर चाय पीना छोड़ दीजिए। तो फिर दूध पीना चाहिए। बोलिए, निकाल कर ला देती हूँ। हाँ? दूध, दूध ला देती हूँ। अरे लड़की को घर में छुपा के रखा है क्या? खा थोड़े ना जाऊंगा। कौन है वो, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? वो कमीना है। इस गांव में कमीना नाम से भी कोई रहता है क्या? ऐसा नाम नहीं रखते, इंसान ऐसा हो जाता है। अब चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। ए मल्ली, ए मल्ली, वीर भैया आए हुए हैं। आजा। तुम वहीं रुको बेटा, ए रुको। अभी तक नहीं आई। किसी काम का नहीं है तू। रात को खेतों में पानी छोड़ने के लिए कहा था ना, इतना छोटा सा काम दिया था मैंने तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। कल अमावस्या में पंडित ने घर से बाहर निकलने से मना किया था, इसीलिए। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो। मेरे खेत में जाने के लिए काहे की अमावस्या, काहे की पूर्णिमा? मेरे लिए अमावस्या नहीं, पैसा मायने रखता है। अगर फसल खराब हो जाएगी तो तेरा बाप भुगतान करेगा क्या? बहुत हो गया, आगे से ये सब नहीं चलने वाला है। देखो अब सब्र खत्म हो गया, मेरा गुस्सा जानते ही हो, रास्ते का भिखारी बना दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम भैया? मेरी जमीन, मेरी खेती, मेरा काम कह रहे हो? तुम्हारा उधार हम नहीं चुका पाए इसलिए अपनी जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखी है, मतलब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हुए। तो बदतमीजी से बात मत करो। बहना, मैंने ऐसा कब कहा? अगर ये काम नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, आपकी बेटी का भविष्य क्या होगा? मैं तो उसे बस समझा रहा था। सब पता है, तुम कौन सा शरीफ हो जो इन्हें समझाने आए हो? तुम कैसे हो ये सारा गांव जानता है। क्या बहना, इसने जो कर्जा लिया है उसकी वजह से तुम परेशान हो रही हो, वो परेशान हो रही है। कष्ट है तो समाधान भी है, बस एक बार ध्यान तो दो। आखिर कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे? कुत्ता कमीना, मैं दूध डालने आई तो मेरा ही हाथ चट रहा है। तू कुत्ता है,
कुत्ते का हाथ चाट, इंसान का नहीं चेहरा देख के बात कर। वीरन्ना जी, मेरे बाप को ना टाइम पे काम पर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। लगता है आपके पेट में जलन हो रही है। धूप है ना, घर जाकर छाछ पी लेना। हाँ ए कुत्ते, चल पी। क्या कब से टप टप करके आवाज कर रहे हो? ऐसा लगता है दुनिया में तुम ही हो जो काम करते हो। बिना आवाज के कोई काम होता है क्या? बिना आवाज के क्या काम होते हैं ना, मैं सब जानती हूँ। माँ जी, चाय बहुत ही अच्छी थी। चाय में जितना स्वाद था उससे कहीं ज्यादा आप सबके प्यार की मिठास थी उसमें। एक टी में काफी कुछ दिख गया आपको। माँ की ममता को तरसा हूँ ना मैं, ऐसा लगा कि जैसे किसी प्यासे को सागर मिल गया हो। सुनिए महाशय, मैं आपको अपना समझकर पूछ रहा हूँ। अभी जो यहाँ से चिल्ला कर गया है उससे आपको तकलीफ हुई है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने ऐसा क्यों किया मैं जान सकता हूँ? गरीबी। पकड़ो इसे जरा। हाँ, किसान की जिंदगी बहुत मुश्किल है बेटा। ये घर और 9 एकड़ जमीन सब मेरी है, ऐसे ही जी रहा था। अब तकदीर में कष्ट लिखा है तो भला उसे कोई कैसे मिटा सकता है, सब भगवान की मर्जी है। सही कह रहा हूँ ना? ऐसी रहकर बीमार पड़ गया मैं, हॉस्पिटल जाकर दवा गोली, रोज रोज की खिचखिच, इन्हीं सब चक्करों में कर्ज चढ़ गया, ब्याज ही नहीं भर पाया। कमाई नहीं थी ना बेटा, तब से मैंने इस घर को और 9 एकड़ जमीन को वीरन्ना के पास गिरवी रखना पड़ा। मैं मरा नहीं हूं बेटा, लेकिन जिंदा भी तो नहीं हूं। हो जाएगा बेटा। अभी तो हमारी ही जमीन पर हम कुली का काम कर रहे हैं, उसका कर्जा कब चुकेगा, कब उस आदमी से मुक्ति मिलेगी हमें, इन सवालों के जवाब हमें अब तक नहीं मिल पाए हैं। मिलेगी माँ जी, जरूर मिलेगी, आप सबकी सारी तकलीफों का समाधान जरूर मिलेगा। कब? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी उसके बाद? माँ जी, इन तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो बताइए ना माँ जी। 25,000 मूल के 35,000 ब्याज के हैं बेटा। कष्ट में है ये बात सच है, लेकिन आपको भीख देने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो मल्लिका, मैं एक अनाथ हूँ, फिर भी मैंने बहुत मेहनत से दिन रात काम करके ये सारे पैसे कमाए हैं। आप सब बहुत अच्छे हो और साथ ही साफ दिल के भी हो, पैसा तो हाथ का मैल है। आज ये धन दौलत मेरे पास है, कल आपकी हो सकती है, और ये असंभव नहीं है, मेहनत से सब कुछ संभव है। एक अनजान व्यक्ति को आप सबने अपने घर में आश्रय दिया, आप सबका दिल बहुत अच्छा है तो आपके साथ अच्छा ही होगा। शायद आप मुझ पर भरोसा ना करें, लेकिन ये सारी दौलत सारे पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए, जब मैं अकेला इतना कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं? अगर मेरी ये बात आपको बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। माफी की बात नहीं है बेटा, हमें पता है कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है।
अरे ये तो अपशगुन है। ए मल्ली, जा जाकर जल्दी से नहा ले तू। तुम भी बेटा, ये अंदर रखो और नहा कर आ जाओ। किस लिए माँ जी? छिपकली ऊपर से गिरे तो नहाना चाहिए बेटा, जाओ। ए जाना। नहाने में इतना टाइम लगता है क्या तुझे? ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं और तेरे पापा बगीचे तक जाके आते हैं। ठीक है पति पत्नी, बगीचे का ही काम करके आना, कुछ और मत करके आना, ठीक है? मुंह बंद रख अपना, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, जरा ध्यान से रहना। मेरी बात सुन रही है या नहीं? तुम क्या बोलने वाली हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। मैं कैसी हूँ पता है ना आपको? हाँ, तू तो बड़ी सयानी है, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आती हूँ। पहले से पता होता कि छिपकली गिरने वाली है तो मैं गर्म पानी रख देती। अच्छा, आपको ठंडे पानी से नहाने की आदत तो है ना? क्यों नहीं है,
मुझे हर जगह गर्म पानी थोड़ी मिलता है। नदी, झील, तालाब जो भी मिला कूद कर नहा लेता हूँ। आप इस पर भरोसा करते हैं क्या? वही छिपकली का गिरना। ये बातें तो ज्योतिषियों की हैं। सच है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन नहाने के बाद हमेशा ही अच्छा लगता है। और फिर माँ की बात मैं टाल सकता था क्या? देखने में तो अकड़ू लगते हो, लेकिन वैसे हो नहीं। तुम भी तो अच्छी हो। तुम्हारी आवाज थोड़ी सी कड़क है, लेकिन दिखने में एकदम महालक्ष्मी की तरह। अरे छोड़िए ना, महालक्ष्मी होती तो सारे शरीर पर गहने होते, अभी तो खाली खाली बदन है मेरा। अरे उसमें क्या हो गया, मेरे पास तो काफी गहने हैं, वो पहन लो। नहीं बाबा। एक बार पहनने की इच्छा है, एक बार पहनकर वापस दे दूंगी। हाँ हाँ तो ले लो ना। अभी देता हूँ। क्या हुआ? थोड़ा सा लगा है तो दर्द हो रहा है। कहाँ? क्या कर रही हो तुम? एक मर्द के सामने तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आती क्या? ऐसा क्या किया मैंने? बेशर्मी की हरकत करके कह रही हो मैंने क्या किया है? मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम्हारा रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे गलत नजरों से देखती हो। अगर तुम जैसी जवान लड़की इस तरह की हरकत करेगी तो उसे शर्म आती है क्या तुम्हें? ऐसा नहीं, वही तो पूछ रही हूँ मैं। यहाँ जहाँ पर चोट लगी थी ना, बस वही चोट दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं। गहने मांगे थे ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही अपना मान लिया। मैं जवान हूँ ये बात एक हकीकत है, लेकिन ऐसे वैसे काम करो ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। ऐसा नहीं होगा। अरे लेकिन सुन, मल्लिका, मेरी बातों से अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इससे मुझे ये पता चल गया कि आप कितने नेक आदमी हो। माफी मांगने जितना कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है आपने, माफी मांग रहे हैं। क्या? हाँ कुछ नहीं कहा मैंने। बाबा माँ अभी तक आए नहीं क्या? आते ही होंगे। ए, क्या कर रही है अंधेरे में, ये क्या खेल रही है? ये खेलना अपशगुन है। हाँ, उठाकर रख दूंगी तो पनौती चली जाएगी। छी, जब देखो इसके मुंह से बस ऐसी ही बातें निकलती हैं। जाओ जाओ, ये नहीं सुधरेगी। सुनो बेटा, बेटा तुम्हें ही बुला रही हूँ। हाँ माँ जी। माँ जी आपने बुलाया क्या? हाँ, खाने में रागी की रोटी बनी हुई है, तुम खाओगे ना बेटा? रागी की रोटी, ठीक है माँ जी। इतना क्या सोच रहे हो बेटा, अच्छा ही रहेगा। खा लूंगा माँ जी। ठीक है, रोटी बना लेती हूँ। हाँ माँ जी। हाँ
वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी खिलाएंगी वो मैं खुशी खुशी खाऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आप मुझे रोटी के साथ मुर्गा बनाकर खिलाएंगी? क्या बेटा? मुर्गा? अब ऐसे अचानक मुर्गा मांगोगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा बेटा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। महाशय, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। मुर्गे के साथ में मसाला और सामान जो भी लगेगा मैं दूंगा। कितना लगेगा? मेरे हिसाब से 50 रुपए तो लगेगा। ये पैसे ले लीजिए, 500 रुपए ले लीजिए ना, जो भी जरूरत हो सब लेकर आइए। मुझे दो, वापस दे दो। ऐसे पैसे देकर हमारा अपमान क्यों कर रहे हो बेटा? अरे रे, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप लोगों को मैंने अपना समझ के दिया है। अरे रहने दो ना, बच्चा मांग रहा है तो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अच्छा बेटा, क्या क्या चाहिए तुम्हें? वैसे भी मेरी बात कहाँ सुनते हो? क्या क्या चाहिए बोलो ना। ठीक है, सूखी मिर्ची, नारियल तो है, बाकी सारा मसाला साथ लेकर आना। तुम तैयारी करो। ठीक है, इधर आ। महाशय, महाशय सुनिए, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है, कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। पीछे दरवाजा है, अब उस तरफ जाओ, लालटेन लेकर जाना, कोई आता जाता नहीं है, आराम से निपट सकते हो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी में हो तो जल्दी जाओ। बहुत नेक दिल का बच्चा है, भगवान इसका ख्याल रखना। वो देवी आज आपको एक वर देने वाली है, उस वर का आपको इस्तेमाल करना होगा। वो जाने को तैयार है, लेकिन उसके जाने से पहले ही उसको पकड़ लो। ऐसे उदास क्यों बैठी हुई है तू, और इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हुई है? मैं क्यों उदास होने लगी? आहा, घमंड तो तेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। मसाला पीस कर हो गया क्या? अरे पूरा नहीं पीसना है। माँ, 20 रुपए देने की जगह कभी तुमने मुझे 200 रुपए दिए थे। तुझे मैं पागल लग रही हूँ क्या? माँ, तो फिर उसने 200 रुपए क्यों दे दिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी मेहनत के पैसे नहीं है। उसने अपनी मेहनत का पैसा जमा करके रखा है। जमा करके रखे हुए पैसे कोई ऐसे ही खर्च नहीं कर देता, किसी दूसरे का पैसा है ये खर्च कर रहा है। मुझे तो पूरा शक है उसका कमाया हुआ पैसा नहीं है, चोरी का है। ए, अगर उसने सुन लिया तो क्या होगा? पीछे की दरवाजे की तरफ गया है। उसने चाहे कैसे भी कमाए हो, हमें क्या करना है? अगर इस तरह सोचते रहे ना तो वो कुछ करके चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो क्या? उसके पास रहने वाला पैसा और गहने दोनों हम लोगों को ले लेने चाहिए। उसका पैसा हमारा कैसे हो सकता है? वो रहेगा तो उसका होगा, वो नहीं रहेगा तो। उसने तो उस वक्त हमसे यही कहा था ना, ये मंदिर का प्रसाद है, उसके पास जो गहने हैं वो और पैसे अगर हम चाहें तो हमारे हो सकते हैं। सर के लिए मुर्गा तुम बनाओ, बाकी का मैं देखूंगी। मुझे लगता है तू पागल हो गई है। हाँ हो गई हूँ। ऐसा भी होता है,
तुम्हारा क्या सब कुछ टाइम टाइम पर होता आ रहा है क्या? कभी मेरे बारे में भी तो सोचो। जो भूखा हो ना उसे खाने की जरूरत होती, चाहे किधर से भी आए, कहीं से भी आए। देखो अगर साफ साफ कहूं तो सुनने में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और गंदा भी। अगर अपने सारे कष्ट दूर करना चाहती हो तो ये एक ही रास्ता बचा है, उसकी मौत। इतना कहने के बाद भी तुम नहीं समझ रही हो ना माँ? वैसे भी वो वीरन्ना की मुझ पर नजर है, तुम तो कुछ करने से रहे, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। एमली, इसका मतलब तू उसे मार देगी क्या? सुबह उस डमरू वाले ने क्या कहा था, भूल गई? तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ने वाली है ये मिट्टी, तुम्हारे कष्ट का निवारण करने वाली है ये मिट्टी। मुझे उसकी बात याद है, उसने बिल्कुल सही कहा, अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारी किस्मत अब हमें ही लिखनी होगी ऐसा लगता है माँ। चिपकली पहले मुझ पर गिरी फिर उस पर गिरी थी, लड़के के दाएं तरफ, अगर चिपकली गिरे तो उसकी मौत हो जाती है। ऐसा है तो उसकी मौत है। इमली, मुझे डर लग रहा है। डरे? सब कुछ 200 ग्राम लेकर आया। ये क्या कह रही है जानते हो? धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता भी एक एक बंडल लाया हूं। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? दालचीनी, लौंग, खसखस, सब गरम मसाला। उस लड़के को मारने की बात कह रही है ये? मार देंगे। तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा। अगर मौका खुद हमारे पास आया है तो हमें उसका ठीक से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है बेटा। जानती हो मैं भी वीरन्ना की बातें सुन सुनकर थक चुका हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया बेटी, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अब औरत का काम क्या क्या होता है वो सब तुम लोग कर दिया हो। खाना खिलाकर सुला दो, सुबह होने से। अरे महाशय, आप सामान लेके आ गए क्या? अगर आप ऐसे ही बात करते रहेंगे तो आज का खाना कब मिलेगा सबको? नहीं नहीं, सामान लेकर आया हूँ, उसी का हिसाब बता रहा था। वो चिल्लर जो बचा है। क्या महाशय, आप अभी तक चिल्लर पे ही अटके हुए हैं? अरे वो अपने पास रख लीजिए और वो जाके ले आइए। तो फिर मैं जाकर आता हूँ। रात काफी हो रही है, जल्दी से ले आइए। तुम तैयारी करो, तुम जरा सामान। अच्छा मैं हो कर आता हूँ। माँ जी, ये किसको मारने की बात चल रही थी? अच्छा वो मुर्गे को मारने की बात हो रही थी क्या? अरे तो इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है? हाँ, मारने के लिए तो आपने ही कहा था। हाँ हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन इसमें आप लोगों को गलत क्यों लग रहा है? खाने की ही चीज है ना, तो बेचारा कटेगा ही ना।
क्या है ये? इसका मतलब हम जो बना रहे हो आप नहीं खाएंगे क्या? अरे रे, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो टाइम पास कर रहा था, भूखे नहीं मरना मुझे। मुर्गा खाना है तो मानना पड़ेगा। ये देखिए मरा पड़ा है। यही तो कह रहा हूँ, अगर हमें स्वाद मुर्गे को मारे बिना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। एक को जीना है तो दूसरे को मरना पड़ेगा, यही सृष्टि है। छोटा प्राणी बड़े प्राणी को मारता है, बड़े प्राणी को उससे भी बड़ा प्राणी मार के खाता है। इंसान भी तो प्राणी ही है, मगर इंसान को इंसान खाए ये जमाना नहीं आया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, मुर्गा या बकरे को मार कर खा जाते हैं। अगर आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो छोड़ दीजिए, मत खाइए। अरे अरे अरे, मैंने खाने के लिए कब मना किया? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो वक्त बिताने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। अगर हम लोग खाने से पहले अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, तो इस मुर्गे की आत्मा को शांति मिलेगी, इसीलिए कह रहा हूँ। अब इस तरह की बात बंद करेंगे और हमें हमारा काम करने देंगे? अरे करो ना, करो ना, मैं जा रहा हूँ। मुत्तु भाई, हम दोनों के बीच एक शर्त लगी है। मेरे पापा का मानना है कि कल तुम फिर पियोगे, और मेरा मानना है कि नहीं पियोगे। आप क्या कहते हैं? अरे भाई, तुम दोनों बाप बेटे अपने बीच में मुझे क्यों खींच रहे हो? ऐसी बात नहीं है मुत्तु भाई, दुख में पीने वाला सुख में नहीं पीता है, ऐसा मेरा कहना है। पीने वाले को सुख दुख जीवन मरण इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बाप बेटों, तुम लोग मुझे पीने के लिए मत दो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं पीऊं इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? ओह, बात समझ गया मैं। तुम लोग मुझे इसी तरह से बातों में फंसा दोगे और जो मैंने पी है सब उतर जाएगी और मैं फिर से पीना शुरू करूंगा और तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, यही सोच रहे हो ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम करने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी काम, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पी सकता। नहीं राजू, ज़रा थोड़ी सी और डाल दो। देखे आप। ये लो। गौरी माँ। हाँ। कल मुनी गौड़ा की जमीन पे घास काटने का काम मिला है, अच्छे पैसे देने वाला है, तुम लोग चलोगे क्या? हाँ हाँ आ जाएंगे, वैसे आना कब है? कुआ, हम कल से कुली के काम पर नहीं आने वाले। अरे कुली लोग कम थे, तुम लोग आओगे ऐसा वादा कर दिया है मैंने, अब क्या करूंगी मैं? बेंकुआ, किसी दूसरे को ले जाओ, हमारे पास फुर्सत नहीं। ठीक है, चलती हूँ। माँ जी, कल मैं नहीं रहूंगा, तो मेरे रहने की वजह से आप लोग काम पर नहीं जा रहे क्या? आप कल नहीं रहेंगे ये हमें भी पता है, आपके जाने के बाद हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं। वो ऐसी बात नहीं है बेटा, कल यहीं पर का काम बचा है, इसलिए जाने के लिए मना किया है। ओ, अच्छी बात है, मेरी वजह से कोई काम ना रुके, ठीक है? तुम जिंदा हो यही बहुत बड़ी तकलीफ है। अरे माँ जी, वहाँ से मुर्गे को मेरे पेट में जाने में कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर और बेटा, मसाला पीस रही हूँ। बहुत भूख लगी है माँ जी। वो बस आते ही होंगे। मुझे भरोसा नहीं है माँ, अभी उसके हाथ में पैसे हैं, कहीं जाकर पिएगा, वहीं उल्टी करेगा और सो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ आने वाला है। तो फिर तू क्या करना चाहती है?
मुझे सपना आया था, मुझे लगा कि मैंने उन्हें मर्दों वाले काम करने को बोला, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। वैसे भी मेरे घर की औरतें किसी काम लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। राजू, माँ जी, मसाले की खुशबू मेरी भूख और बढ़ा रही है। ज्यादा इंतजार मत करवाइए, जल्दी खिलाइए। हाँ बेटा, रोटी बना रही हूँ। मरने की बहुत जल्दी है इसे, अगर तुम्हारा पति आ गया होता तो आज हमारा काम हो जाता। मैं क्या करूँ, तुम्हारे पापा ने कहा था कि आकर सब देख लूंगा। क्या देखेगा, शराबी कहीं का। शराब पीता है तो दो आदमी हो जाता है, शराब नहीं पीता है तो अलग आदमी हो जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अगर उसकी मौत आने वाली होगी ना माँ, तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना पड़ेगा। नहीं मल्ली, मना मत करो माँ, वो नहीं मरेगा तो हमारी समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुझे रोक नहीं रही हूँ, खून नहीं बहे ऐसा कह रही हूँ। मतलब सहरीला पौधा, गंदा लग रहा है। वो मैं कुछ लिख रहा था ना, तो स्याही लग गई होगी, मैं हाथ धुलकर आता हूं। तुम भी ना, सर संभाल के चलिए, अंधेरा है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, संभाल के। हे भगवान, सुनो बेटा। क्या हुआ माँ? थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें बुलाने आऊंगी। पर क्या हुआ, बात क्या है? घर में कोई आया हुआ है, इस वक्त तुम्हें घर में देखेगा तो बहुत सारे सवाल पूछेगा, तुम्हें भी पता है ना बेटा। समझ गया माँ जी, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके बुलाने तक मैं यहीं पर रहूंगा। क्या है ये? लगता है मुर्गा खाने का मुहूर्त ही ठीक नहीं है।
नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। इस तरफ खबर मिली है कि गौड़ा जी के घर में चोरी हुई है और वो चोर भागकर इधर ही कहीं आया है। हम लोग उसे ढूंढते हुए आए हैं। अगर आपको ऐसा कोई संदिग्ध आदमी यहाँ दिखा है तो बताइए। गौरी माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मांस पकाया है क्या? मुर्गी का सालन बनाया है। अरे तो एक प्लेट खिला दो ना। दो प्लेट बोलिए ना सर। ये क्यों बीच में भौंक रहा है? ये कुछ नहीं करेगा सर। और काट लिया तो? भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं ना। हमारे साहब सिर्फ दो ही काम करते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। तुम चलो अंदर चलो। अरे चलो ना अंदर चलो। पहले से ही हमारा प्लेट तैयार करके रखा है। साहब आप लोग इसमें मत खाओ, मैं दूसरी थाली लगा देती हूँ। अरे उसमें क्या है, हम इसी में खा लेते हैं। नहीं 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 साहब, ये जूठा है, मैंने खाया हुआ है। मली इनके लिए थाली लेकर आ, अब पतीला लेकर आ चलती। गौरी अम्मा, तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो? वो हाथ से पिसल गया साहब। मली तू साफ कर, मैं सालन लगाती हूँ। बढ़ गया है, कुछ भी हो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ मुर्गा बहुत स्वादिष्ट है। क्या हुआ, उसे खाने दो ना। बचने के बाद तो कुत्ते को देते हैं। देव के साथ साथ दैत्य को भी पहचानो। मन के अंदर के देव को मार के अगर दानव जीत गया तो इंसान बन जाएगा। मरकासुरा। गरिमा मांस दातो सुखी भवा। अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते साहब, थोड़ा घर के लिए भी ले जाएं क्या? चुपचाप चल। ये क्या, खाते ही लाश की तरह गिर गया। ये एक नंबर का आलसी कुत्ता, खाते ही सो जाता है। सही कहा, खाने के बाद तो हम भी आलसी हो जाते हैं ना। अब चलो चलिए। निकला है जल्दी।
तो बहुत पहले आपके पैर छूने चाहिए थे। भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे पति का कर्ज कैसे चुकेगा ये इस बारे में सोचा? मल्ली, ऐसी बात करके मेरा दिल दुखा रही है तू। कुत्ते को मरा हुआ देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए जहर मिलाया हुआ सालन नहीं दिया, इसे नहीं दे पाई मैं। नहीं, तुम नहीं करोगी। तुम्हारी बेटी बनकर पैदा हुई ना, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं जहर पीकर नहीं मरने वाली हूँ। मैं जो सोच रही हूँ वही करूँगी, समझी तुम? बच्चे की नाभि काटने वाला चाकू है ये, इससे मुर्गा भी काटते हैं। आज वो मरेगा या तो मैं मरूंगी। की आवाज है। मुत्तू भाई, गौरी माँ, मुत्तू भाई, मैं कनप्पा बोल रहा हूँ। कनप्पा, तुम इस वक्त यहाँ? मैं घर जा रहा था तो आपके चीखने की आवाज सुनी तो यहाँ चला आया। चीखने की आवाज नहीं तो? लेकिन मैंने तो आपकी आवाज सुनी थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हो सकता है मुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई हो। चलता हूँ, अच्छे से रहिएगा। हाँ, अंधेरा है, तुम भी आराम से जाना। मेरे लिए क्या अंधेरा क्या उजाला, आंखें नहीं रहने वाला अंधा नहीं होता, रास्ता नहीं जानने वाला अंधा होता है। चलता हूँ। Huh?
दीदी लगता है घर में कोई मेहमान आया है। नहीं, मेरे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया है। मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो दीदी? एक बार कह रहा कोई मेहमान नहीं आया है, समझ में नहीं आता। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मल्ली, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा, मुत्तू भाई कहाँ है? भाई ना इस वक्त वो कहाँ रहता है तुम्हें नहीं पता क्या? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एक और राजू, एक और चाहिए। भाई अब बहुत हुआ, रहने दो। मेरा मालिक और उसका लड़का कल से तुम नहीं पियोगे ऐसा बोल के तुम्हें ज्यादा पिला रहे हैं। कल से तुम नहीं पियोगे सोच के आज ही पूरा का पूरा पी के ऊपर जाना है क्या? तू भी कैसी बातें कर रहा है? मैं आज पियूंगा, कल पियूंगा, परसों भी पियूंगा। तुझे चाहिए तो तू भी पी ले, पैसे है मेरे पास। पैसों की बात नहीं है भाई। अगर आप मेरी बात सुनोगे तो इसे छोड़ के यहाँ से निकलोगे और तुरंत अपने घर भाग जाओगे। ऐसा क्या है? बोल बोल बोल, जल्दी बोल। तुम्हारे घर में कोई आया हुआ है ना? क्या? सुनो, तुम्हारे घर में कोई आया हुआ है, पता है वो कौन है? कोई घर में आया है तुझे कैसे पता? बता कैसे पता?
सालों बाद आया हूँ तो आप मुझे कैसे पहचान पाएंगे? मैं मुत्थु भाई का बेटा हूँ, सुब्बू। मुत्तन्ना का बेटा मतलब बचपन में जो घर से भाग गया था वही? हाँ वही हो ना? हाँ दादा मैं वही हूँ। जब से तुम गए हो तब से तुम्हारी माँ बेचारी रो रो कर थक गई है। तुम्हारे पिताजी हमारे दुकान के परमानेंट ग्राहक होंगे और वो बेचारी तुम्हारी बहन की अभी तक शादी नहीं हो पाई है। खैर अब छोड़ो, अब तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होगा, मैं सब ठीक करने ही तो आया हूँ। एक छोटी सी गलती की वजह से घर छोड़कर भाग गया और मेरे घर छोड़कर जाने से कुछ भी गलत नहीं हुआ बल्कि अच्छा ही हुआ है। ये मैं अपने माँ बाप को समझाऊंगा। देखिए दादा, मैं अपने माँ बाप को अपना परिचय खुद ही देना चाहता हूँ, आप कुछ मत बताइएगा। लगता है तुम कोई बड़ा झटका देने वाले हो। Thank you.
अरे क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? अरे क्या किया तूने? हाँ, इसके बाल काटती है? हाँ, बहुत बदमाश हो गया है, बहुत बदमाश हो गया है। क्यों काटे इसके बाल? क्यों काटे तूने इसके बाल? हाँ, हंस रहा है, मैं मान रही हूँ और तुझे हंसी आ रही है, बदमाश कहीं का। रुक, मैं तुझे तुझे अभी चटका लगाती हूँ। रुक जा, अभी अभी आती हूँ मैं। कहाँ चला गया वो? अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है तू ऐसे? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। रुक जा, कहाँ भाग रहा है बदमाश? ए सुबो, सुबो, ठीक है, जा रहा है तो चला जा, अगर वापस आया ना तो जान से मार दूंगी। चुना मत, चुना मत, हम में से किसी को भी छूने के काबिल नहीं है तू। मेरी गलती है। इसकी सालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ये क्या हो गया? देखो देखो ना इसे, देखो देखो क्या हो गया इसे। सबू ये देखो ना, सबू ये देखना, सबू
आज मेरी जिंदगी में कभी ना भूलने वाला दिन है। 15 सालों से मैंने जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ एक ही दिन में पा लिया है। आज मेरे खुशी की सीमा नहीं है। अपने माँ बाप को देखने के बाद मैं ही आपका बेटा हूँ ऐसा कहने को बहुत बार मन किया, लेकिन मेरी वजह से उन लोगों ने बहुत दुख झेले हैं। मैं उन्हें धीरे धीरे ढेर सारी खुशियाँ देकर सुख का एहसास करवाना चाहता हूँ। बचपन में मैंने जो गलती की थी, अगर मैंने उसी वक्त माफ़ी मांग ली होती तो मैं अपने परिवार से इतने दिनों तक दूर नहीं रहता और आज मेरी दुनिया में उन सब का प्यार बसा होता। शायद बाबा को भी पीने की आदत नहीं पड़ती। बेचारी मेरी बहन, मैं उसका भाई हूँ ये उसे क्या पता। जैसे इस उम्र की और लड़कियाँ होती हैं वैसे ही वो बेचारी बहुत कुछ कह गई। भगवान मुझे माफ करे, मैंने इतना कमा लिया है कि मेरे घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब उनका ये कमाऊ बेटा हमेशा उनके साथ रहेगा और अपने घर की जो भी तकलीफें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा। कल सुबह होते ही मैं उस वीर अन्ना का पूरा पैसा देकर मैं कौन हूँ ये मैं उसे बताऊंगा, और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेने के बाद ही मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ।